सरकारी स्कीमों को आम लोगों तक पहुंचाने और बेदारी फैलाने के गर्ज से आज जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा डिफोडे सागर दत्तात्रेय ने सीएससी डिजिटल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन का मकसद गांव-गांव में घूमकर सरकारी स्कीमों के हवाले से बेदारी फैलाना है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के अलावा जिला के मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे लोगों ने हिस्सा लिया। इस वैन में दो ऑपरेटर्स आम लोगों के लिए मैसर रखे गए हैं, जिससे वो किसी भी स्कीम के मुख्तलिफ जानकारी ले सकते हैं। देखिए, मैंने और हमारे डीडीसी मेंबर है बेग साहब, उन्होंने आज एक हमारा सीएससी का व्हीकल जो है वो यहाँ पे इसको फ्लैग ऑफ किया हुआ है। आप जानते हैं कि जन अभियान बैक टू विलेज 4 के तहत हमारा जन अभियान चल रहा है। इसमें अलग अलग स्कीम्स की सैचुरेशन हमें गांवों में करनी है। तो ये जो अब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने हमें जो ये व्हीकल दिया हुआ है, इसका बेनिफिट ये होगा कि गांव-गांव में जाके आयुष्मान भारत के कार्ड्स जो बचे हुए हैं, 91% तो रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, बाकी जो बचे 7-8% है गांव में जान के उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट पोर्टल है उसमें पासबुक जनरेट हो रहे हैं, तो वो पासबुक भी जो है वो यहाँ पे बेनिफिशरीज है उसका प्रिंट आउट ले पाएंगे, उनको वो भी देख पाएंगे। इसके अलावा जो भी हमारी सरकार की स्कीमें हैं, जो मैरिज असिस्टेंस वाली स्कीमें हैं, बाकी स्कीमें हैं जिनमें ऑनलाइन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इस सीएससी के माध्यम से लोग जो है वो गांव-गांव में अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी ये जो हमारा सीएससी का व्हीकल है, इसमें दो ऑपरेटर्स हमारे दिन रात जो है वो अलग अलग जगहों पे जाके बेनिफिशरीज को रजिस्टर कराएंगे।